हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24 फोर इंटू सेवन आपका स्वागत है और हम लोग जिस शेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनफीवीम एवेन्यू का और इस शेयर को डिस्कस करने का रीजन क्या है दोस्तों तो वो रीजन है इसका टेक्निकल चार्ट और प्लस इसका फंडामेंटल और आने वाले समय में क्या फ्यूचर होगा ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आज इस शेयर को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और बिफोर गोइंग टू तो डिस्कस जो लोग नए चैनल पर आए हैं विजिट किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मुझे मोटिवेट करें ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले तो आपको अच्छे शेयर्स के बारे में मैं वीडियो बना के दूँ तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट तो देखिए जो क्लोजिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो फोर्टी टू रुपीज के आसपास हुई है और मैं बता दूं दो दोस्तों यदि फोर्टी टू या उसके नीचे के लेवल पे मिलता है ये शेयर तो आप वहां पे जरूर उठाइए क्योंकि जब भी ये फोर्टी फोर्टी थर्टी नाइन के आसपास आप थर्टी फाइव तक इसको एकूमलेट कीजिए और इसको छोड़ दीजिए मुझे लगता है देखिए थर्टी फाइव पे ये काफी समय से ये जो है सपोर्ट ले रहा है और बात करें मेजर सपोर्ट जो ले रहा है दोस्तों देखिए ये लेवल जो है 39 50 के आसपास का यानी ₹39 रुपीज का जो है आपका एक मेजर सपोर्ट देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है फिर आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया है और ये काफी समय तक 39 को यहाँ पे टच नहीं किया है और यहाँ पे बात कर ले नेक्स्ट जो आपका लेवल है वो लेवल है जो क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ₹37 रुपीज, 50 पैसे का आपको एक लेवल दिख रहा है जो कि आपका क्लोजिंग बेसिस पे लो है तो यानी आप थर्टी फाइव तक जाए तो वहाँ एकोमोलेट कीजिए और फोर्टी पे तो आप अच्छे खासे क्वांटिटी या फोर्टी टू फोर्टी के आसपास में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको चार पाँच रुपये का भी उछाल आता है तो आपको दस परसेंट का प्रॉफिट बहुत आसानी से मिल जाता है ये मेरा मानना है और देखा भी जाए तो देखिए जब भी इसने फोर्टी पे आया देखिए यहाँ फोर्टी पे आया है फिर इसने रिकवर कर लिया है उस सेम डे पे खास करके जब भी 40 पे आया है या 40 के नीचे आया है तो सेम डे पे इसने रिकवर किया है तो वहाँ पे सेम डे पे ही आपको अच्छा खासा जो है इसमें प्रॉफिट मिल जाता है और नेक्स्ट डे दे देखिए 40 के आसपास से हमेशा अच्छा जो है एक बिग कैंडल बनाया है ये देखिए अभी बात करें एक कैंडल यहाँ पे बनता है यहाँ पे देखिए जब 40 के आसपास आया तो यहाँ पे देखिए दो ट्रेडिंग सेशन तीन ट्रेडिंग सेशन में आपको अड़तालीस रुपये तक का भाव दिखाया है फिर यहाँ देखिए आपको सैंतालीस रुपये के आसपास का भाव दिखा रहा है फिर यहाँ पर देखिए थर्टी फोर्टी के आसपास आया है तो देखिए दो तीन ट्रेडिंग सेशन में या चार ट्रेडिंग सेशन में बात करें फिर फोर्टी एट का आपको भाव दिखा रहा है तो लगभग बीस परसेंट का अपमूव फिर यहाँ पे बात कर ले जब इसने थर्टी सेवन को टच किया था तो आपको यहाँ पे फोर्टी फाइव यानी यहाँ से आठ रुपये तो लगभग लगभग आपको आठ का मतलब हो गया ट्वेंटी परसेंट का अपसाइड साइड यहाँ पर मिल रहा है तो ये चीजें हैं और फिर यहाँ देखिए 40 को टच किया है तो अच्छा खासा तीन ट्रेडिंग सेशन में 54 तक के लेवल इसने दिखाया है तो यहाँ से बात कर ले दोस्तों तो काफ़ी थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न तो दे ही देता है फोर्टी के लेवल से और बात कर ले और मिनिमम टेन परसेंट आपको सेम मतलब दो चार ट्रेडिंग सेशन में मिल जाते हैं ये एक खूबी है और इसको ट्रेड किया जाए तो बहुत अच्छा जैसे देखिए यहाँ पे फोर्टी के लेवल पे टच किया था और यदि हाई की बात करें तो फोर्टी एट का लगा था तो आप काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बात करें यहाँ पे एट तो इस तरह के अभी तो है एट एट आपको कैंडल दिख रहे हैं जो कि हमेशा जो है फोर्टी के लेवल से एक सार्फ रिकवरी इसमें देखने को मिलती है इसलिए इस चेयर को टेक्निकल पे मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि आप यदि मान लीजिए कि ऊपर के लेवल फंसे हैं तो इस लेवल पे जरूर इसको पोजीशन बनाइए क्योंकि इससे नीचे या थर्टी फाइव से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है और आने वाले समय में इसमें जो है आपको प्राइस का एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा अब बात कर ले एक महीने के चार्ट का तो देखिए यहाँ पे सॉरी एक साल के चार्ट का तो यहाँ पे जो लो बना हुआ है वही थर्टी फाइव का जिसको मैं बोल रहा हूँ जैसे देखिए यहाँ थर्टी फाइव पर जब इसने टच किया था तो बात करें आठ नौ दस ट्रेडिंग सेशन फिर इसने फोर्टी सिक्स के लेवल दिखाए तो आप परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए तो थर्टी फाइव से आपका फोर्टी सिक्स तो लगभग आपको यहाँ दस रुपये यानी आपको कम से कम आपको छब्बीस से सत्ताईस परसेंट का उछाल आपको मिल जाता है तो इस तरह के नौ दस ट्रेडिंग सेशन में आप हर जगह देखिए जब भी फोर्टी को टच किए तो यहाँ पर इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अब ये शेयर जो है इस लेवल पे है तो यहाँ से यदि ये, ये क्लोजिंग जो दिया है फोर्टी वन पे तो आपको ये ये यदि फोर्टी के आसपास मिलता है तो नेक्स्ट डे जो है एकूमलेट कीजिए और यहाँ से जो आपका टारगेट बनता है मैंने बता दिया 44 का टारगेट कम से कम एक बीच का 45 का टारगेट रखिए और यहाँ से आप उधर तो दस बारह परसेंट का उछाल लेके निकल भी सकते हैं और नहीं तो और पाँच दस परसेंट के रुक भी सकते हैं यदि नीचे आप क्या करेंगे लॉस को ट्रेल करते चलिए और जो मैक्सिमम आपका जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो फोर्टी के एट के आसपास है वहाँ पे आप कंप्लीट बेच भी सकते हैं ये मेरा मानना है और लॉन्ग टर्म में यदि रखते हैं तो अच्छा खासा देखिए लॉन्ग टर्म में भी रखना है तो फिर भी आप जो भी क्वांटिटी खरीदा दे दी आपने दस हज़ार रुपये लगाए हैं तो पाँच हज़ार का शेयर आप बेच दीजिए यदि आपको पाँच सात रुपये मिल जाते हैं फोर्टी के लेवल से तो आपका भाव जो है थर्टी थ्री पे आ जाएगा फिर आप नीचे के लेवल पे यदि आता है तो फिर एक्यूमुलेट कीजिए फिर आप हो तो इस तरह करके आप भाव को ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी रुपीज़ पर ले जाते तो आपको हंड्रेड परसेंट का फायदा तो ऐसे भी आपको होल्ड करने लायक मिल जाएगा अब बात कर ले इसका हाई का तो देखिए फिफ्टी एट रुपीज़ का इसमें हाई है जो कि आपका जुलाई के ट्वेंटी फोर्थ जुलाई को मिल लगा था और वहाँ से देखिए फिर जो है लगातार नीचे डाउन ट्रेंड में रहा है तो जब भी इसने हाई बनाया है तो कहीं रुकने का नाम नहीं लिया है इसने ने उसने जो है लो फोर्टी के आसपास के दिखाए ही दिखाए यदि यहाँ बात करें हाई का तो यहाँ देखिए फिर इसने जो है लो दिखाया था, था यहाँ पे हाई बना था तो फिर एक लो दिखाया था यहाँ दिखाया यहाँ दिखाया फिर फिर इसने हाई यहाँ बनाया तो यहाँ का लो दिखाया था यहाँ हाई बनाया तो ये लो दिखाया था तो इस तरह देखिए यहाँ पे हाई बनाया था फोर्टी सिक्स के आसपास का तो उसने ये लो दिखाया था तो ये काफी मतलब क्रूसियल जो है 48 का तो फोर्टी एट पे आराम से निकलिए और यदि फोर्टी पे लेते हैं तो फोर्टी सिक्स तक के भी लेवल पे आप निकल सकते फोर्टी फाइव टू फोर्टी सिक्स पे तो ये मेरा मानना है बाकी इसका फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों वहां पे क्या चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते दे, पहले हम लोग टिकट ट्रेप पे देख लेते हैं इसमें क्या है तो यहाँ पर देख लेके अभी जो इसकी करंट वैल्यू इनसफिशियंट डेटा है यहाँ पे और डिविडेंड रिवेंड अच्छा नहीं है और रिटर्न वर्सन से रेट में ये रेड है और एंट्री पॉइंट के लिए गुड है कोई रेड फ्लैग नहीं है दोस्तों यार अभी बात कर लें इसके फॉरेकास्ट का तो इसमें देखिए वन एल इसको कवर कर रहा है और हंड्रेड और बाई की रेटिंग दे रहा है अब बार करने आने वाले समय में इसका जो रिवेन्यू एक्सपेक्टेशन है वो बहुत अच्छा है हंड्रेड परसेंट का जो कि बहुत ही अच्छा है और तीन साल का जो सी एच था माइनस सिक्सटीन था इसलिए इस शेयर को मैं ख़रीदने की एक सलाह दे रहा हूँ बाकी आप अपना रिसर्च भी करिए फिर भी फिर खरीदिए अब बात करें इसमें जो है रेवेन्यू ग्रोथ फॉरेकार्स का तो 51.73 का है और जबकि इसका थ्री या सी देखा जाए तो माइनस सेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट है और फॉरिकाट देखा जाए कि आज तो यहाँ पे बहुत ही कम दिखा रहा है अंडर वैल्यूड दिखा ओवर ओवर वैल्यूड दिखा रहा है एक रुपये का टारगेट मीडियम टर्म में इसमें जो है 51 परसेंट के हाई देखने को मिल सकते हैं और ईपीएस का ग्रोथ का देखा जाए तो ईपीएस ग्रोथ जो है एक सौ दो दशमलव सात जीरो परसेंट का दिखा रहा है तो ये सारी चीज़ें बहुत इंक्रेजिंग है और फिनांशियल डेटा पे देख लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री का रिवेन्यू ग्रोथ 9.02 परसेंट से ज़्यादा है यानी 15.2 परसेंट है और बात करें इनका मार्केट शेयर जो इन्होंने उन्होंने इंक्रीज किया है पॉइंट का पॉइंट से पॉइंट जीरो परसेंट यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर भी नेट इनकम में भी पॉजिटिव है इनका फाइव ईयर का जो इनकम ग्रोथ ग्रो हुआ है फिफ्टी पॉइंट फोर थ्री परसेंट से इंडस्ट्री जो है एट पॉइंट एटीन का है यानी यहाँ से भी फोर टाइम्स इनका रिवेन्यू नेट इनकम ग्रोथ रहा है और ये देखिए इनका जो आ, रिवेन्यू रहा है 2012 में एक का रहा है एक करोड़ का और आज के डेट में छः करोड़ का है जो काफी अच्छा है अपने आप में अब बात कर लें इनके पीयर कंपटीटर का तो वहाँ पर देख लेते हैं तो इनसे का जो पी रेशियो है वो काफ़ी प्रीमियम वैल्यू पे है सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री सेवन परसेंट और टाटा कंसल्टेंट फोर्टी फोर इन्फोसिस थर्टी सेवन विप्रो थर्टी थ्री और पीबी जो है इनका वन पॉइंट एट नाइन है जो कि ठीक ठाक पोजिशन पर है और डिविडेंड जो है बहुत कम देती है तो बहुत कम है और होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रोमोटर की होल्डिंग थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट है और एफ आई एस की होल्डिंग जो है बहुत अच्छी है सेवन पॉइंट जीरो परसेंट जीरो फाइव परसेंट की तो बात कर ले म्यूचुअल फंड का तो म्यूचुअल फंड ने देखिए अपना स्टैक बढ़ाया है और एफ का देखा जाए तो इस फाइव ने लास्ट क्वार्टर से अच्छा खासा एक परसेंट से एक परसेंट शेयर अपना बढ़ाया है यानी सेवन पॉइंट जीरो फाइव पर ले गए सिक्स पॉइंट जीरो सेवन से तो ये चीजें हो गई अब देख लेते हैं दोस्तों ये काम क्या करती है तो आपको पता होगा कि आपने यूज किया हुआ ट्रांजेक्शन में तो ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि आप ट्रांजेक्शन कर पाए तो वहां पे बात कर ले दोस्तों यदि यहां पे हम लोग देख लें थोड़ा प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि इनका जो रिवेन्यू ग्रोथ रहा है दो अभी जो रिसेंट हुआ है वहां पे अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्म किया है ईयर एंड ईयर बेसिस पे 120 तो परसेंट का जंप देखने को मिला है पेमेंट टीपी भी मोर देन डबल हुआ है ईयर एंड ग्रोथ पे फाइव फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड प्लस मर्चेंट ऐड किए हैं डेली बेसिस पे एडेड डेली और इंटरप्राइज पेमेंट फॉर जियो इंटीग्रेटेड और जियो के लिए भी ये काम कर रहे हैं पार्टिसिपेट इन सीरीज ए राउंड ऑफ इन्वेस्टर कंपनीज़ तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव है ये देखिए चार्ट पे दिखा दे वो 170 परसेंट का इनका ईयर इय ईयर ग्रोथ पर टी भी बढ़ा है ग्रोथ रेवेन्यू जो है 120 परसेंट बढ़ा है नेट रेवेन्यू जो है 3 परसेंट बढ़ा है और नेट टेक रेट जो है 7 बी है एबिटा जो है इनका घटा है 9 परसेंट ईयर एंड ईयर बेसिस पे एबिटा परसेंटेज एनआर फिफ्टी परसेंट फिफ्टी फोर परसेंट है पैट जो है थर्टीन करोड़ यानी फोर्टीन परसेंट ईयर इन एंड ईयर पे सीस बढ़ा है तो सारे जगह पर ठीक ठाक इनका रिजल्ट रहा है बात कर लें इनका जो है ऑल पेमेंट का तो वहाँ पर देखिए एक सौ उनतीस परसेंट का ईयर इन ईयर पे और जी जो है तीन सौ चौवाल चौवालीस परसेंट का ईयर एंड ईयर ग्रोथ है और काम कहाँ करती है देखिए इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है एजुकेशनल में जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो गेटवे यूज करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योरेंस है यूटिलिटीज है रिटेल है ट्रैवल टिकट होटल तो चूंकि अभी ट्रैवल टिकट होटल वाला जो मामला है कोविड की वजह से थोड़ा इम्फेक्टेड है कोविड का अभी जब खुलेगा देखिए होटल वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इससे एक्सपेंडिंग बढ़ेगी तो वहाँ पे ट्रैवल और टिकट होटल में इनका रिवेन्यू बढ़ेगा और आईटी टेलीकॉम और रिचार्ज ग्रोसरी फाइनेंस से भी इनका अच्छा खासा रिवेन्यू आता है बात करें ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू का तो यहाँ पर ट्वेंटी बिलियन का ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस प्रोसेस करते हैं और बात करें ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का तो दो के आसपास है और यहीं पे बिल एवेन्यू बिल पेमेंट वॉल्यूम देखा जाए तो वो भी इंक्रीज हुआ है सिक्सटी फोर मिलियन का और और बात किया जाए इनका बी वॉल्यूम तो चार सौ फोर हंड्रेड सेवेंटी नाइन हुआ है इस क्वार्टर में तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है यदि बात करें एजेंट नेटवर्क का है कि इनके पास सेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस और प्लस टू हंड टू थाउजेंड इंडियन सिटीज और टाउन में ये प्रेजेंट है और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू तो बूस्ट जो मैंने बताया कि कोविड के बाद जो इकोनॉमिक बूस्ट और भी बूस्ट होगा ग्रोथ रिवेन्यू मार्जिन जो होगा जो है थर्टी फोर परसेंट क्वार्टर वन ट्वेंटी टू में है जो कि फ्रॉम टेन परसेंट इन क्वार्टर वन ट्वेंटी वन में था लैंडिंग अपॉर्चुनिटी लैंडिंग बिजनेस में भी ये जा रहे हैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब आपको उधार देना जो कि आप छोटा मोटा जो है कैश uh, लोन देना वो सारी चीज़ें ये शुरू करने जा रहे हैं और तो वो रिफ्लेक्ट होगा आने वाले समय में यहाँ बात करिए फुल्ली सिक्योर्ड लैंडिंग टू द मर्चेंट अगेंस्ट कंज्यूमर पेमेंट ऑलरेडी रिसिव्ड इन द अकाउंट तो ये चीज़ें जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इसी बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में इसमें और भी अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले जाएगा और टू uh, दो गुना का हायर हायर देन क्वार्टर फोर ट्वेंटी वन के एवरेज से बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म में इंक्रीज एवरेज डेली यस अब बात करें लैंडिंग एटीएम का तो वहां पे हंड्रेड प्लस बिलियन का आ, रिवेन्यू है और बात करें थ्री प्लस एम एन मर्चेंट का क्रॉस पोर्टफोलियो पोटेंशियल एड्रेसिंग मर्चेंट फिफ्टी मिलियन और बात करें एक्सप्रेस सेटलमेंट का तो वहाँ पर दो गुना का बढ़ोतरी है और लैंडिंग टू इंक्रीज इन नेक्स्ट फाइव ईयर एक्सप्रेस सेटलमेंट वर्किंग कैपिटल एंड मोर और स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट टू इनेबल क्रेडिट एंड लैंडिंग एन बी एफ सी फ्रॉम क्वार्टर वन तो क्वार्टर वन से ये शुरू कर चुके हैं और नेट रिवेन्यू देखा हैं यानी क्वार्टर क्वार्टर टू में ये रिफ्लेक्ट होगा अब बात कर लें नेट रिवेन्यू का तो अच्छा खासा तीन परसेंट का बढ़ोतरी है और ये चार्ट भी शो कर रहा है कि इनका जो है इस साल का जो रिजल्ट रहा है वो ठीक ठाक रहा है और अच्छा खासा ये रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी जो टाइपअप किया है तो इनका टारगेट भी बहुत अच्छा है आगे आने वाले समय में तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंक्रेजिंग है आप देख सकते हैं और बाकी जो है आप एक बार अप व्यू बनाइए अपना और रिसर्च कीजिए और देखिए इसमें क्या किया जा सकता है मैंने जो लेवल बताया आपको वो सारे लेवल पे आपको टेक्निकल बेसिस पे खास करके आप इसको प्ले कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही कोई काम करे ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अच्छा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए